आज हम बनाएंगे कचौड़ी, वो भी उड़द दाल से। ये दाल की कचौड़ी फटाफट बन भी जाता है और खाने में लाजवाब होता है। इसे चाहे चिकन मटन के साथ खाइए या किसी भी सब्जी सालन के साथ। तो आइए देखते हैं टेस्टी कचौड़ी उड़द दाल का कैसे बनता है। कचौड़ी बनाने के लिए एक कटोरी उड़द दाल को 5 घंटा पहले पानी में भिगा दिए थे। जब ये फूल गया तो इसको धो के स्टेनर में रख दिए हैं। 8-10 कली लहसुन को छील के लिए हैं। अदरक को भी छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। 1 चम्मच जीरा लिए हैं, 2-3 चुटकी हींग लिए हैं, 4 पीस हरी मिर्ची लिए हैं। सब चीज़ों को मिक्सर जार में डाल देंगे। पीसेंगे। मिर्चा जीरा हींग पीस गया है, अब जार में आधा दाल डाल देंगे। दाल को 2 बार में पीसेंगे। दोनों बैच का दाल पीस के रेडी हो गया है। अब इसे थाली में निकाल ले रहे हैं। अब पीसे हुए दाल में 1 चम्मच नमक डाल दे रहे हैं। 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज डाल दिए। कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। 1 कटोरी गेहूं का आटा चाल के रखे हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा डाले जाएंगे और मिलाते जाएंगे। इसे अच्छे से मिला लेना है। दाल आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंथेंगे। दाल आटा का डो लग के रेडी। कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं। अब इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो घी में भी इसे फ्राई कर सकते हैं या जो ऑयल आप खाते हो। अब इस ऑयल को हम गर्म होने देंगे। मिश्रित आटा लगाएंगे और थोड़ा सा इसका डो उठा कर इसका लोई बनाएंगे। बन गया है। अब सूखा आटा लगाएं और इसको हाथ से इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब इसे बेलेंगे। कचौड़ी बेल के रेडी हो गया। अब इसे फ्राई करेंगे। गर्म हो गया है, इसमें कचौड़ी को डालेंगे। 3-4 मिनट तक इसे इसी तरह आग में रहने देंगे। कचौड़ी फूल के अपने आप ऊपर आ गया है। अब इसे पलटेंगे। जब कचौड़ी डाले थे तब गैस का फ्लेम लो था, अभी हाई कर दिए हैं। कचौड़ी फूल के ऊपर आ गए हैं। इसे अलट पलट कर दोनों तरफ अच्छे से फ्राई करेंगे। कचौड़ी दोनों तरफ अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरह सभी कचौड़ियों को फ्राई करना। दाल की कचौड़ियाँ खाने के लिए रेडी है। इसे चाहे गोश्त सालन के साथ खाइए या किसी सब्जी के साथ। खाने में लाजवाब होता है। एक बार आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।